तो इस सीरीज में हम एच डी एम एल सी एस एस से एक बहुत ही अच्छी साइट बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो अभी तक के वीडियो में हमने पूरा टेम्पलेट बना लिया है पर ये वीडियो थोड़ा डिफरेंट है इसमें हम कुछ नया नहीं बनाएंगे बट जो पुराना हमने बनाया है उसको थोड़ा सा प्रॉपर चीज़ों को अरेंज करेंगे अभी तक आप देख रहे हो जब भी हम कुछ सी लिखते हैं एक नई सी हम लिख देते हैं बार बार सेम कलर्स को हम यूज़ कर रहे हैं जैसे कलर बैकग्राउंड कलर इन चीज़ों को हम प्रॉपरली भी सी में लिख सकते हैं ताकि हम रीयूज कर सकें जैसे मैं कलर्स का एक सेक्शन बनाता हूँ और उसमें मैं बार बार देख रहा हूँ कि हम बैकग्राउंड कलर ये ब्लू वाला जो शेड है जो मैंने यहाँ कॉपी करके रख लिया इसको बार बार हम यूज करते हैं तो मैं इसको एक बीजी ब्लू नाम से एक क्लास बना लेता हूँ तो जब भी बैकग्राउंड ब्लू मेरे को कहीं चाहिएगा तो मैं बैकग्राउंड कलर ये सेम ब्लू पुट कर दूंगा ऐसे ही बीजी व्हाइट बना लेता हूँ क्योंकि काफी जगह हमने बैकग्राउंड व्हाइट भी यूज किया है तो व्हाइट बैकग्राउंड हो जाएगा ऐसे ही फॉन्ट में भी हमने दो एरिशन लिए हैं कि फॉन्ट व्हाइट या फॉन्ट ब्लू हम दे सकते हैं तो कलर से वो ब्लू ले शेड ले लेंगे और ऐसे ही फॉन्ट वाइट तो अब आप देख रहे हो जैसे कंटेनर क्लास थी ये इसमें केवल बैकग्राउंड ब्लू ही था इसमें और कोई चीज ही नहीं थी तो कंटेनर क्लास एक तरह से हमको यूज ही नहीं है जहां पे भी आप कंटेनर क्लास देख रहे हो सर्च कर सकते हो और उसको आप रिप्लेस कर दो बैकग्राउंड ब्लू से क्योंकि वो एग्जैक्ट काम वही कर रहा है तो आपको एक एक्स्ट्रा कंटेनर क्लास की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हम फुल विड्थ में बस कलर देने के लिए यूज कर रहे हैं तो अभी भी आपका टेम्पलेट ऑलमोस्ट सेम तरह का दिखाई दे रहा है ऐसे ही और जगह हम सर्च करते हैं कि कहाँ कहाँ पे कलर या बैकग्राउंड कलर यूज हुआ है जैसे आप देख रहे हो कुछ राउंड बटन है बट ये तो हॉवर पे है तो हॉवर पे अभी हम कुछ नहीं चेंज करेंगे सिंपली और कहीं देखते हैं जैसे साइन अप बटन है तो साइन अप बटन में हमने बैकग्राउंड कलर वाइट और कलर ब्लू इस तरह से दिया हुआ है तो इन दोनों चीज़ों को हटाते हैं और सर्च करते हैं कि हमारा साइन अप बटन कहाँ पे है तो साइन अप बटन यहाँ दिखाई दे रहा है इसमें उन्होंने दोनों स्टाइल हटा दिए एक बार देख लें बैकग्राउंड कलर ये था वाइट तो आप बैकग्राउंड वाइट ले सकते हो फॉन्ट ब्लू ले सकते हो तो इस तरह से वो सब्सटीट्यूट हो जाएगा आपके साइनअप बटन बिल्कुल वैसे ही दिखाई देंगे जैसे पहले थे और जगह हम सर्च करते हैं क्या स्टाइल्स हम रिप्लेस कर सकते हैं फ़ॉन्ट साइजेस को भी आप रिप्लेस कर सकते हो अगर आपको लगता है स्मॉल मीडियम लार्ज दो तीन तरह की फॉन्ट आप यूज़ कर रहे हो मैक्स विथ्थ वगैरह भी आप एक जगह अगर बार बार वही क्लास यूज़ कर रहे हो तो मैक्स विथ को भी आप डिफाइन कर सकते हो इससे क्या है बार बार आपको स्टाइल नहीं लिखनी पड़ेगी आप क्लास में वो पुट करके यूज़ कर सकते हो यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं कि ये प्लान जो चीज़ थी इसमें भी कलर यूज़ हुआ है ब्लू वाला सेम कलर तो मैं जहाँ पर भी प्लान यूज़ कर रहा हूँ रेदर देन प्लान के अंदर मैं वो ब्लू पुट करूँ उसकी जगह मैं बाहर इसको रिप्लेस कर दूंगा तो प्लान के साथ में फॉन्ट ब्लू हर जगह हमने रिप्लेस कर दी तो अब आप रिफ़्रेश करके देखोगे तो सारी वापस ब्लू हो गई अब इस चीज़ से फ़ायदा यही है कि आप एकदम एच टी एम एल कोड को देख के ही बता सकते हो कि इसकी फॉन्ट कलर क्या होगी आप फ्यूचर में चेंज भी ईजीली कर सकते हो ऐसे ही फ़ॉन्ट वेट है तो अब बहुत जगह आपने देखा कि हमने बोल्ड यूज़ किया है तो रेदर देन हर बार हम इंटरनली बोल्ड एक ऐसी सिंपल सी क्लास है जो आप बाहर भी बना सकते थे और आप फॉन्ट वेट बोल्ड लिख सकते थे जहाँ भी टेक्स्ट आपको लगे कि बोल्ड करना है वहाँ पे क्लास बोल्ड आप पुट कर सकते थे तो हर सी एस एस के अंदर जाके उसकी स्टाइल में पुट करने की ज़रूरत नहीं है क्लास में आप बोल्ड पुट कर सकते हो अभी ये लग रहा है कि ये हम बार बार क्यों चेंज कर रहे हैं लाइक वाई वी आर पुटिंग बोल्ड और इससे भी हमारा एफर्ट बढ़ रहा है क्योंकि इतनी जगह हमको बोल्ड लिखना पड़ रहा है बट एक्चुअल रीजन ये है कि अब आपको क्लियरली पता है कि ये बोल्ड किस क्लास की वजह से है कल को आप इस क्लास को हटाना चाहें या आप चाहें कि इसकी बोल्डनेस ओवरऑल पेज की बढ़ जाए तो आप एक बोल्ड क्लास को वेरी करके देख सकते हैं या फिर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन का जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो काफ़ी बढ़ जाती है तो एक तरह से जहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि बोल्ड है किसी भी क्लास में तो मैं उसमें से बोल्ड हटाता जा रहा हूँ और उसके आगे बोल्ड लिखता जा रहा हूँ तो जैसे टाइटल टेक्स्ट में भी बोल्ड था तो यहाँ पर भी मैंने बोल्ड पुट कर दिया ऐसे एक एक करके हम सारों में सर्च करते जा रहे हैं कि किस किस में बोल्ड का यूज़ हुआ था एक बार सारे हमको मिल गए हैं तो हम सब चेक कर चुके हैं कि जैसे एक्शन बटन हर चीज़ में हमने बोल्ड सर्च किया और उसको प्रॉपरली अब हम हर जगह से फॉन्ट वेट बोल्ड जिस जिस क्लास में था उसको हटा देंगे क्योंकि अभी तो मैंने केवल वहाँ पे क्लास ऐड की थी पर कहीं से कुछ डिलीट नहीं किया था तो एक बार हमने हर जगह जैसे अब देखा है कि हर जगह हमने बोल्ड सर्च कर लिया और सही सही जगह पुट कर दिया जैसे यहाँ फीडबैक एक बचा हुआ है इसमें भी मैं बोल्ड पुट कर देता हूँ जैसे नेम में बोल्ड है तो इस तरह से हर चीज़ में हमने पुट कर दिया है तो एक एक करके अब हम फॉन्ट वेट सब में से डिलीट कर सकते हैं तो सारे जो इसके अक्रेंस है जैसे आठ अक्रेंस मेरे को दिखाई दे रहे हैं तो मैं सब में रिप्लेस कर सकता हूँ इसको और डिलीट कर सकता हूँ तो एक साथ आप रिप्लेस ऑल भी कर सकते हो या फिर एक एक करके भी कर सकते हो क्योंकि एक जगह आपका एक्चुअल बोल्ड क्लास भी होगा आप देख रहे हो अब तीन ही अक्रेंस हैं अब दो ही अक्रेंस हैं और अब फाइनल अक्रेंस तो आपके बोल्ड क्लास में है तो बस एक जगह फॉन्ट वेट बोल्ड लिखना पड़ेगा तो एक तरह से आप डुप्लीकेट सी एस एस जनरेट नहीं कर रहे हो ऐसा ही आप मैक्स फिफ्थ में कर सकते हो या और चीज़ों में भी कर सकते हो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं सारा अभी फॉर्मेट वैसे नहीं करने वाला हूं बट आप इस तरह से अगर सोचेंगे स्पेशली जब आप सी एस एस शुरू कर रहे हैं तो ये करना काफ़ी आसान है अभी तो मैंने कोड कर लिया उसके बाद में चेंज कर रहा हूँ तो थोड़ा मेरे लिए मुश्किल बन रहा है लेकिन अभी आप बाद में बैकग्राउंड कलर और इस तरह से चेंज करते हो तो ये आपके लिए काफ़ी ईजी रहेगा तो अभी मैंने पेज में बहुत जगह पे जो कलर है उसको प्रॉपरली कर दिया है इवन लोगो वगैरह में भी मैंने कलर और क्लासेस प्रॉपरली ऐड कर दिए हैं जो हमने वाइट और ब्लू की क्लासेस ली थी राउंड बटन को भी मैंने थोड़ा प्रॉपर कर दिया है तो ये सारे चेंजेस आप देख सकते हो कोड में अब लास्ट में एक थोड़ा चेंज करूंगा वो है कर्सर में कर्सर पॉइंटर हमने दिया था जब भी आप एक हैंड आइकन जैसा आप क्लिक लिंक पे देखते हो वैसा बनाना चाहते हो तो मैं कर्सर पॉइंटर दे रहा था हर जगह पे बट इसको भी बार बार देने की जरूरत नहीं है अगर आप सोचते हो किसी चीज़ को आपको क्लिकेबल बनाना है तो मैं क्लिकेबल क्लास बना लेता हूँ उसमें एक बार ये कर्सर पॉइंटर लिख देता हूँ जहां भी आपको लग रहा है कोई बटन है या लिंक है या जो ऐसी चीज़ है जो आप यूजर को दिखाना चाह रहे हो कि ये क्लिकेबल है तो उसके ऊपर आप क्लिकेबल क्लास पुट कर सकते हो तो मैं जैसे यहाँ पे क्लिकेबल पुट कर रहा हूँ मेन्यू पे हर आइटम पे मैं पुट कर सकता हूँ लोगो पे मैंने पुट किया है इवन दिस राउंड बटन जो लॉग इन का इस पर भी मैं पुट कर सकता हूँ इसके अलावा भी बहुत जगह पे बटन होंगे जितने भी बटन होते हैं वो क्लिकेबल बाय डिफ़ॉल्ट भी होते हैं पर हम एडिशनली उस पर क्लास भी लगा सकते हैं इनकेस अगर उस पर आइकन नहीं आ रहा है तो इस तरह से आप सर्च कर सकते हो जहां पे भी आपको लगे कि इस चीज के हॉवर होने पे क्लिकेबल आना चाहिए था उस सब पे आप क्लिकेबल क्लास बना लो तो अब आप देख रहे हो हर चीज के ऊपर ये हॉवर पे आइकन आ रहा है साइन अप बटन पे यहाँ पे हर चीज पे और इवन अगर आप किसी प्राइसिंग या किसी और चीज पे भी देना चाहो तो उस तरह से आप क्लिकेबल क्लास बस अप्लाई करोगे तो एक तरह से आप सीएसएस को मैक्सिमम रियूज कर सकते हो तो ये पूरा रीफेक्टरिंग प्रोसेस है इसको रीफेक्टरिंग कहते हैं ये करना काफी इंपॉर्टेंट है अगर आप एक प्रोजेक्ट को अच्छे से मैनेज करना चाह रहे हैं तो इस चैनल पे हम देखते हैं इंटरेस्टिंग कोड कॉन्सेप्ट्स और उनके एग्जाम्पल कोड्स अगर आप और ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए